हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वाली वीडियो में ASUS K15 OLED के बारे में बात करेंगे। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, FAQs, जिनको मैं आंसर करने वाला हूँ। बेस्ट बाइंग लिंक्स बाय द वे इस लैपटॉप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप खरीद भी सकते हो। बाय द वे, जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो आपको लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे मिलेगा। यू नो वॉट टू डू। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ। दैट इज़, क्या इसमें विंडोज़ 11 वाला अपग्रेड मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इस लैपटॉप में आपको विंडोज़ 11 वाला अपग्रेड, बट आपको वेट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स शायद इसमें विंडोज़ 11 आपको ना मिले। सो दोस्तों, बढ़ते हमारे दूसरे सवाल की तरफ। सो बेसिकली इस लैपटॉप के दो वेरिएंट्स हैं, 8GB रैम एंड 16GB रैम। सपोज आपने 16GB रैम वाला वेरियंट खरीद लिया, तो क्या फिर हम उसमें फर्दर रैम को अपग्रेड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, मतलब 16GB इज द लिमिट। मैक्सिमम इसमें 16GB की रैम ही डल सकती है। 16GB एज इन 8GB एंड 8GB डुअल चैनल। सो आप इसमें 16GB की रैम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप 8GB वाला वेरिएंट खरीदते हो तो डेफिनेटली उसको 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो। आई नो ये बोलना ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल। सो गाइज, अगला सवाल ये है कि इस वाले लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 100% DCI-P3 वाली डिस्प्ले है। तो हमने 100% sRGB सुना था, क्या ये 100% sRGB से बेटर है? द आंसर इज येस, हल्का सा बेटर है। बेसिकली जो DCI-P3 है उसका जो कलर कैलिब्रेशन का रेंज है वो थोड़ा बड़ा है sRGB से, एंड यही फर्क है, एंड इसलिए ये हल्का सा बेटर है। सो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि क्या इस लैपटॉप में हमको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है, एंड ब्राइटनेस कितनी है? वेल, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है क्योंकि OLED पैनल है। एंड दूसरा जो सवाल था आपका कि ब्राइटनेस कितनी है, दैट इज़ अप टू मैक्सिमम 400 nits। मतलब कुछ रिव्यूज़ में 500 nits भी बोल रहे हैं लोग इसमें ब्राइटनेस जाती है, बट Amazon जो है वहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि इसमें 400 nits तक की ब्राइटनेस है। वैसे जो भी ब्राइटनेस हो भाई, 400 nits काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इवन आउटडोर्स में भी। सो दोस्तों, अगला सवाल ये कि क्या इस लैपटॉप में हमको एक भी थंडर बोल्ट पोर्ट मिलता है? द आंसर इज नो, इसमें एक भी थंडर बोल्ट पोर्ट नहीं है। सो गाइज, अगला सवाल है स्टोरेज से रिलेटेड, क्या इस लैपटॉप में हम स्टोरेज को अपग्रेड कर सकते हैं? द आंसर इज येस, आप एक्सपेंड कर सकते हो स्टोरेज को। सो दोस्तों, इसमें इंटेल के आईरिस XE ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब लोग यहां पूछ रहे हैं, क्या ये ग्राफिक कार्ड छोटे मोटे गेम्स चला सकता है? द आंसर इज येस, चला सकता है। लाइक GTA 5 वगैरह, वेलोरेंट वगैरह आप खेल सकते हो, इस लैपटॉप में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, लो सेटिंग्स पे खेलना, हाई सेटिंग्स पे जाओगे तो हैंग करेगा, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। अगला सवाल है दोस्तों, क्या इस लैपटॉप में AutoCAD नामक सॉफ्टवेयर रन करेगा? बिल्कुल रन करेगा, टेंशन मत लो, AutoCAD चल जाएगा इस लैपटॉप में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें जो हमको MS ऑफिस मिलता है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है या नहीं आता? द आंसर इज येस, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। सो यू कैन एंजॉय MS ऑफिस जिंदगी भर। सो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि इसमें 43 Wh की बैटरी मिलती है, सो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल यूज में हमको कितनी बैटरी बैकअप मिल जाती है? सो इसका जवाब ये है कि आपको 3 से 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिलेगी। मतलब मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, उनमें रेंज यही था। एंड ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर यूसेज, मतलब आप कितने बुरी तरीके से रगड़ रहे हो लैपटॉप को। अगर आप एकदम मस्त रगड़ रहे हो लैपटॉप को तो ऑब्वियसली तीन घंटे की बैटरी बैकअप मिले। वरना अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, जैसे एक नॉर्मल डे आपका जाता है, नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा नहीं रगड़ रहे हो, ज़्यादा गधा मजदूरी नहीं करा रहे हो लैपटॉप से, देन 3 से 5 घंटे के बीच में आपका लैपटॉप चल जाएगा। सो डोंट वरी, एक ठीक ठाक लैपटॉप है। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें जो बिल्ड क्वालिटी है क्या वो मेटल की है? वेल, जो इसका लिड है टॉप, वो तो मेटल फिनिश के साथ आता है, बट जहाँ पे कीबोर्ड वगैरह है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। सो फ्लेक्स इतना ज़्यादा नहीं है, एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्लीक है एंड अच्छा है, यू विल लव इट। सो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल। एक फाइनल सवाल, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इस वीडियो को लाइक किया? अगर आपका जवाब है नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है। एंड शेयर करने का मन है किसी के साथ तो प्लीज़ गो अहेड, शेयर इट, शुभकाम में देरी ऐसी। सो दोस्तों, यही था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।